Hey guys, welcome back to your favorite class, NCERT classroom, where you learn in the most simplified way. Hi, this is Shivraj in front of you, और आज हम लोग continue करेंगे अपना maths जो कि हम लोग पढ़ रहे थे class 9th का. Okay, so class 9th का हम लोगों ने part 1, part 2 देख लिया. This is part 3rd of the number system जो कि हम लोग पढ़ रहे थे chapter 1st maths का. Okay, so part 1 और part 2 में हम लोगों ने 1a, 1b, 1c, 1d और 1e complete कर लिया. अब हम लोग इस chapter में पढ़ने वाले, इस part में पढ़ने वाले 1f और 1g. Okay, so without wasting time, let's get started. ओके सो ये इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे रेशनलाइजेशन करना, किसी भी नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं. सो व्हाट इज रेशनलाइजेशन, होता क्या है रेशनलाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ प्रोसेस. ये प्रोसेस होता है किस चीज़ का प्रोसेस होता है, कन्वर्टिंग अ नंबर विथ इरेशनल डिनोमिनेटर टू रेशनल नंबर. क्या करना, कन्वर्ट करना. किस चीज़ को कन्वर्ट करना, एक ऐसे नंबर को जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो. उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका जो डिनोमिनेटर है वो जब इरेशनल रहता है उससे हम लोग उसका डिनोमिनेटर को रेशनल बना देते हैं. जैसे कि हम लोग के पास एक नंबर है 3√2, इसमें जो √2 है ये इसका डिनोमिनेटर है, ये क्या है हम लोग का, इरेशनल है. हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट वन में रेशनल इरेशनल क्या होता है. सो सिंस इट इज़ अ इरेशनल नंबर, हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि इसका ये जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनल ना रहे. सो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन. अब देखते हैं रेशनलाइजेशन हम लोगों ने किया कैसे. क्या किया हम लोगों ने, इस नंबर था सिर्फ ये 3√2, हम लोगों ने क्या किया, ऊपर और नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया. अब रूट टू से क्यों मल्टीप्लाई किया, रूट टू से मल्टीप्लाई करने पे ये टू रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ऊपर क्या हो रहा है फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग को बस नीचे का इरेशनल को रेशनल में बदलना है. रूट टू इंटू रूट टू मिल के बन जाएगा रूट टू स्क्वायर, ठीक है, रूट टू इंटू रूट टू रूट टू स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर जो है हम लोग का कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ टू. सो ऊपर वाला मल्टीप्लाई 3√2 मिल के बन क्या जाएगा हम लोग का √3√2. तो ये जो पूरा नंबर है 3√2/2, ये जो हो गया अब हम लोग का एक ऐसा नंबर बन गया जिसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, रेशनल है. सो इसी प्रोसेस को हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, रेशनलाइज करना. अच्छा तो हम लोगों ने क्या किया, इस डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा तो क्या हर समय ऐसा ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, नहीं, आगे आप लोगों का क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका ये जो इरेशनल है ये और लंबा भी हो सकता है, जैसे कि a+√b, a+b√x, इस टाइप से नंबर अगर रहेगा तो क्या हम लोग किस चीज़ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे देख लीजिए एक ऐसा नंबर है 1/3 √3+√2. अब इस नंबर में हम लोग ऊपर और नीचे क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, वहाँ रूट टू था तो हम लोगों ने सिर्फ रूट टू और रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया. बट अगर ऐसा नंबर रहेगा तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे. तो जिस नंबर से हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशनलाइजिंग फैक्टर. देखते हैं कैसे नंबर का रेशनलाइजेशन फैक्टर कैसा होता है. अगर इस टाइप का नंबर है जिसमें एक रेशनल और एक इरेशनल ऐड हो रहा है, एक्चुअली हर तरह के नंबर का हम लोग को क्या करना है, बस ये जो साइन है ना ये प्लस है उसको माइनस बना देना है. जैसे a+√b है तो उसका हम लोग a-√b कर देंगे, a+b√x है तो a-b√x कर देंगे, मतलब प्लस को सिर्फ माइनस कर दिया. अगर माइनस वाला दिया तो हम लोग प्लस कर देंगे. ये हम लोग का है रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है. अगर इस टाइप का भी है इरेशनल प्लस इरेशनल √x+√y तो इसका हम लोग कर देंगे √x-√y. अच्छा देखते हैं इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन, वही जो आगे था हम लोग का, हम लोग क्या बोल रहा है, इस नंबर को रेशनलाइज करना. नंबर क्या है हम लोग का, 1/3+√2. अब सिंस 3+√2 हम लोग का क्या है, इरेशनल नंबर है, हम लोग को क्या करना है, इस नंबर को एक ऐसा नंबर बनाना है जिसका डिनोमिनेटर रेशनल हो जाए, इरेशनल ना रहे. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पहले पता करेंगे क्या होगा. सिंस ये 3+√2 है हम लोग क्या कर देंगे, इसका 3-√2, सिंपल. अब सिंस 3-√2 हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है. ये था हम लोग का नंबर 1/3+√2, ऊपर और नीचे हम लोग क्या किया, हम लोगों ने इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या था, 3-√2. तो ये था हम लोग का नंबर 1/3+√2, ऊपर भी 3-√2, नीचे भी 3-√2, मल्टीप्लाई कर देंगे. अब क्या होगा, ऊपर वाला तो सिंपल है, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सीधा का सीधा वही रह जाएगा, पर नीचे जो है हम लोग देख सकते हैं ये a+b a-b के फॉर्म में आ गया,
मैंने आपको पार्ट टू में ये भी बताया था, आप लोगों को पता होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाता है, तो हम लोग उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब सिंस इसको हम लोग इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा और आगे सिंपली सॉल्व करने से हम लोग का आंसर आ जाएगा। होप्स आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक बार अपने से क्वेश्चन बनाइए, आपको पक्का आ जाएगा। ओके सो एक थोड़ा और इससे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 6 - 4√3 को हम लोग डिवाइडेड बाई 6 + 4√3 को रेशनलाइज करना है। ऊपर क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस नीचे का देखना है। नीचे क्या है, इरेशनल नंबर, हम लोग को इसको रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइजिंग करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये है क्या अभी 6 + 4√3, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम लोग का बन जाएगा 6 - 4√3। बस किया क्या हम लोगों ने, प्लस को माइनस बना दिया। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया सॉल्यूशन, ये तो नंबर था ही हम लोग का 6 - 4√3 डिवाइडेड बाय 6 + 4√3, ऊपर और नीचे इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। ओके सो ये देखिए, ये ऊपर वाले से कंफ्यूज नहीं होना है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो सब बाद का बात है। हम लोग को मेन अभी क्या देखना है, नीचे वाला का काम देखना है। नीचे वाला हमेशा क्या होगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। इसको क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सिंपली लिख दिए। ऊपर का अब हम लोग देखेंगे एक चीज़ कोइंसिडेंसली क्या होगा, और हर क्वेश्चन में आपका ऐसा ही होने वाला है। ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं, 6 - 4√3 6 - 4√3। तो ये दोनों जब नंबर सेम है तो 6 - 4√3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर होने के बाद ये किस फॉर्मूला पे आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके फॉर्मूला पे तोड़ने के बाद नीचे वाला जो हम सिंपली हम लोग सॉल्व कर देंगे, ऊपर नीचे वाला और सॉल्व करते जाएंगे, हम लोग का ये जो लास्ट का आंसर है ये हम लोग का आ जाने वाला है। ओके बात समझ में आ गया। ओके एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में बहुत आने का इस चीज़ का चांस है। देखिए इसमें क्या है, आपका बोल क्या रहा है, इसमें आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, जब आपका दिया हुआ है 3 + √2 = a + b√2, ये आपका दिया हुआ है कि this = this, आपको क्या करना है इसमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो है इसके इक्वल है, हम लोग क्या करेंगे इसको इसके फॉर्म में चेंज करेंगे। फॉर्म का मतलब इस तरीके से, जिस तरीके से ये लिखा हुआ ना a + b√2, उसी तरीके से जब हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे तो जो नंबर ए के जगह पे होगा वो ए का वैल्यू हो जाएगा, जो नंबर बी के जगह पे होगा वो बी का वैल्यू हो जाएगा। क्या होता है मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए ये जो नंबर है, सिंपली इसको रेशनलाइज करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो वही होगा सिंपली। और एक ऐसा अगर नंबर आपको दे रहा है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना स्टार्ट करते हैं। सो ये जो रेशनलाइजेशन है, नीचे क्या है 3 - √2, तो 3 + √2 3 + √2, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाला सेम हो जाएगा। फिर से आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाला हो गया हम लोग का 3 + √2 3 + √2, तो ये हो जाएगा 3 + √2 का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसी को हम लोग वापस तोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में ये देखेंगे ये जो हम लोग का सॉल्व हो क्या आएगा ना, ये बहुत हद तक इससे मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें भी रूट टू एंड में, इसमें भी रूट टू एंड में, बस इसके आगे क्या है ए और बी अलग अलग है, इसके आगे ए और बी जो है जुड़ा हुआ है। हम लोग को क्या करना है, ए और बी को अलग कर देंगे। अब अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि हम लोग को पता है अगर ये मिला हुआ है तो हम लोग इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 11/7 + 6/7, इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग वापस इसको ऐड करेंगे तो सिंस 7/7 दोनों का बेस सेम है, तो ये इसका एलसीएम 7 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 11+6। तो सिंस ये वापस इस तरीके से चेंज हो सकता है, तो हम लोग इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे वही इसको स्प्लिट करके लिख दिया, 11/7 + 6/7√2। तो अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये आप देखिए ध्यान से, इस फॉर्म में आ गया या नहीं आ गया, ये a + b√2, ये a + b√2, तो अब a के जगह पे क्या है,
इलेवन बाई सेवन, तो ए का वैल्यू 11/7, बी की जगह पे क्या है 6/7, तो बी का वैल्यू 11 6/7। ओके सो ये सिंपल था। ये सब आप जब एक बार खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तब आपको ये ज़्यादा समझ में आने वाला है, तो खुद से ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ओके एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है यहाँ पे देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत सही में इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करना है आप लोग को, पहले x का वैल्यू दे दिया है कि x का वैल्यू ये है, अब बोल रहा है इस पूरे का वैल्यू फाइंड करने। अच्छा ये क्वेश्चन देखते समय सबसे पहले दिमाग में यही खुशी आता है, अब चलो x का वैल्यू दे दिया, इसमें हम लोग x का वैल्यू बस बैठा देंगे, आंसर आ जाने वाला। आंसर तो आ जाएगा बट वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि जब x का वैल्यू ऐसा है तो अब उसका स्क्वायर लेंगे, और ये सिंस डिनोमिनेटर में तो इसका एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाने वाला है, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसका सिंपल प्रोसेस क्या, सिंपली हम लोग क्या करने वाले, पहले हम लोग अलग अलग करके इसका वैल्यू निकालेंगे और फिर इस पूरे का वैल्यू निकालेंगे। एक्स तो सिंपल ठीक है, एक्स का स्क्वायर करना भी हम लोग के लिए सिंपल है, बट 1/x दिक्कत है। सबसे पहले 1/x का वैल्यू निकालेंगे। ओके 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो 1/x हम लोग का ये है, तो 1/x क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग बस नीचे ले आएंगे, 1/x है तो 1/x का वैल्यू हो जाएगा 1/3 + 2√2। अब सिंस यहाँ हम लोग फिर से देख सकते हैं, हम लोग का ये जो नीचे ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, अब सिंस ये हम लोग का नंबर है 3 + 2√2, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 - 2√2, बस साइन चेंज हो गया, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आगे हम लोग जिस तरीके से सॉल्व करने वाले, सॉल्व करने पे हम लोग का ये जो नंबर है आ जाएगा। तो अब यहाँ पे नंबर ये जो आ गया, ये किस चीज़ का वैल्यू है, 1/x का, x का वैल्यू ये है। देखिए x का वैल्यू तो ये है और 1/x का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को आगे क्या निकालना है, इसका इस पूरे का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट या तो x x² निकाल लेंगे, फिर 1/x² निकाल लेंगे, मतलब इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो हम लोग का क्या है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बट आपके बुक में और थोड़ा सिंपल शॉर्ट में एक्चुअली किया हुआ, सिंपल नहीं हो सकता, आपको कन्फ्यूजन भी हो जाए, तो आप लोग डायरेक्ट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकाल के ऐड भी कर सकते हैं, बट आप लोग को चाहिए बुक वाला सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए x² + 1/x². अच्छा एक चीज़ और, सिंस ये 1/x² है तो हम लोग इसको 1/x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1 पे स्क्वायर आएगा और x पे स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1/x ही होता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं है, सेम ही चीज़ है मतलब। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x + 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे, इससे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया था, 1/x का भी वैल्यू निकाल लिया था, x का तो दिया हुआ था, 1/x का निकाल लिया, ऐड करने पे हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर हम लोग वैल्यू निकालेंगे। होल स्क्वायर क्यों निकालेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर निकालने पे इसका एक जो टुकड़ा है ये वाला जो है उसका एक पार्ट बन जाएगा। अच्छा होल स्क्वायर ये जो है तो ये पूरा फॉर्मूला पे टूटेगा, x² + 1/x² + 2ab जो भी है वो उस फॉर्मूला पे टूटेगा, तो 2ab यहाँ पे आ गया। 2ab निकालने के बाद हम लोग का a और b जो है ना ये इस तरीके से कट जाने वाला है, और इसका ये जो मेन पार्ट हम लोग को चाहिए ये पार्ट ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो सबसे पहले x + 1/x का होल स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे, x + 1/x का हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया 6। अब इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो 6² = 36। अब इसी को जब हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे तो ये पूरा भी 36 के बराबर होगा, एक्स एक्स हम लोग का कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ हम लोग का क्या ये चीज़। अब √2 जो है, +2 जो है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हम लोग का बच जाएगा 34। अब इस चीज़ का वैल्यू बच जाएगा जो हम लोग को चाहिए था, क्वेश्चन में क्या चाहिए था, ये वाला चीज़, और इस चीज़ का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे आ चुका है। सो इस चीज़ को भी आप लोग एक बार फिर से अपने से बनाइएगा घर पे, जो भी है बुक कॉपी में, तभी आपको अच्छे से ये क्लियर होएगा। अच्छा आगे देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। पावर समझते हैं ना। तो सबसे पहला वाला जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई करें जिसका बेस सेम है, बेस सेम का मतलब क्या है, ये भी ए है ये भी ए है, और उसका पावर अलग है, ये पावर एम है इसका पावर एन है, और अगर बेस सेम है, दोनों नंबर सेम है बस पावर अलग है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस को कॉमन ले लेंगे और उसके पावर को हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। ये हम लोग कर सकते हैं, इसका और अच्छे से समझ, जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग का 3 + √3 पे पावर 2 है, और 3 पे पावर मान लीजिए 3 है या 4 है, कुछ भी ले लेते हैं। अब सिंस ये भी 3 है ये भी 3 है,
ठीक है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, पावर अलग अलग है बट बेस सेम है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 3 और 3 हम लोग कॉमन लेके 3 लिख सकते हैं, इसके पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, पावर को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस 2 6, ये 3 प्लस 6 हम लोग 3 पे पावर 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना पहले इसका वैल्यू निकालो फिर इसका वैल्यू निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, बहुत लफड़ा हो सकता था, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। सेकेंड लॉ जो है इसी का अपोजिट है, अपोजिट क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए था, ये डिवीजन के लिए, डिवीजन वाला क्या कहता है, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहा है और दोनों का बेस सेम है बस पावर अलग है, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, ये 3√2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 3√3 से, तो हम लोगों ने क्या किया, 3 कॉमन लेके 2 प्लस 3 कर दिया, पावर को ऐड कर दिया। अब वही चीज़ अगर हम लोग का ऐसा रहे, डिवाइड हो रहा है 3 3 सेम है बट इसका पावर 2 है इसका पावर 3 है, तब हम लोग क्या करेंगे, 3 को वापस हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होगा, ओके 2 माइनस 3 हो जाएगा, बाकी ये बेस हो जाएगा सेम। नेक्स्ट जो लॉ है ये कहता है कि अगर हम लोग का एक मतलब पावर है, एक नंबर है उसका 2 पावर है, ओके, एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है, तो हम लोग सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत कॉमन सा है। अगर मान लीजिए एक नंबर है 4 है, इसका पावर 2 है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर एक होल टू द पावर 3 एक और है, ओके, यहाँ 2 2 पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, याद रखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे ऐड नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई लफड़ा वाला नहीं है, ये सिंपल, ओके। ये जो है ये क्या कह रहा है आप लोग का, अगर इसमें हम लोग का देखिए ये क्या हो रहा है, इसमें हम लोग का बेस डिफरेंट हो गया, पावर सेम है, यहाँ पे क्या था हम लोग का बेस सेम है पावर डिफरेंट है, यहाँ हम लोग का बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो पावर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ये क्या कहता है, 3 पे पावर 2 है इंटू 4 पे पावर 2 है, ओके, इसका ये पावर 2 है इसका ये पावर 2 है बट बेस डिफरेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4 इस होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 4 × 3 = 12 पे पावर 2, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ये कहता है हम लोग का फोर्थ लॉ। नेक्स्ट फिफ्थ लॉ जो है, फिफ्थ लॉ क्या कहता है, ये इसी का उल्टा एक्चुअली, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो है ये है और ये वाला चीज़ यहाँ एक ही चीज़ कह रहा कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर पावर अगर सेम है तो वो दोनों पे चला जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए है 4 × x है, इस पर पावर 3 है, तो ये जो 3 है ये 4 पे भी जाएगा और x पे भी जाएगा, x पे भी पावर 3 जाएगा और 4 पे भी पावर जाएगा, बस यही कह रहा है। नेक्स्ट जो लॉ है वो है हम लोग का ये वाला, ये डिवीजन के केस में कह रहा है, ये इसी का ये उल्टा हो जाता है हम लोग का, ये क्या कह रहा है, अगर हम लोग का सेम पावर है, अगर 4/3 है, इस पे होल टू द पावर 2 है, तो ये इस पे भी पावर जाएगा, 4 पे भी पावर जाएगा और ये 3 पे भी पावर जाएगा, सेम बात है, ओके। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस ज़रूर एकदम याद रखिएगा, स्टार मार्क है, ये क्या बोलता है, अगर भी किसी भी नंबर का पावर जो है नेगेटिव में है, ओके, पावर अगर नेगेटिव में, तो उसका नेगेटिव साइन का मतलब है रेसिप्रोकल, उल्टा, मतलब ये 4 है तो ये हो जाएगा 1/4, पावर सेम रह जाएगा। अगर मान लीजिए 3 है, इस पे पावर -7 है, ध्यान दीजिएगा, पावर से -7 है, मतलब 7 तो रहेगा ही, इसका वैल्यू जो है पावर 7 रहेगा, बट ये सिंस ये नेगेटिव है, ये इस नेगेटिव को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से, ओके, ये जो है ये पूरा नंबर नीचे चला जाएगा, बस ये नेगेटिव का साइन हट जाएगा, देखा आपने, यहाँ पे नेगेटिव का साइन जो है हट गया, पावर 7/7 रह जाएगा बट ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब किसी भी नंबर पे अगर नेगेटिव है तो वो उसका हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ये बस एक ये हम लोग का सेवन्थ लॉ कहता है। एट्थ लॉ क्या है कि अगर किसी भी का भी पावर 0 है, 4 का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये चीज़ एकदम याद रखिए, बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे, 0 है तो इसका वैल्यू 0 ही लिख देंगे, मान लीजिए 7 है तो 7 का पावर 0 क्या हो जाएगा हम लोग का, 0, ऐसा नहीं होने वाला है, उसका पावर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1। ये एक नंबर का आप लोग का मल्टीपल चॉइस वगैरह में पूछ सकता है और कन्फ्यूज़ कर सकता है, ओके। सो ये सारे थे इस पर एक अच्छा एक और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये क्या कहता है हम लोग का कि अगर किसी भी नंबर पर रूट है, हम लोग का रूट है या क्यूबिक रूट है या मतलब 7 बार रूट है, 7 मतलब रूट का वैल्यू अगर 7 है इस तरीके से, तो हम लोग उसका कोई भी नंबर है, अगर रूट है 4 है, 4 रूट है, 7 रूट है, 8 रूट है,
उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, उसके पावर के फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसे ए रूट टू था, ठीक है, ए पे रूट कितना था, टू था, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर 1/2, ठीक है, पावर में लिख रहे हैं। जैसे सेवन है, सेवन का रूट टू है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सेवन पे का रूट जो पावर है ये 1/2, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ओके। अगर सेवन का वैल्यू सेवन पे पावर टू है तो इसका मतलब तो ये है कि 7 × 7 हो जाएगा, बट सिंस इसका ये जो डिनोमिनेटर में है इसका वैल्यू क्या, इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये रूट में जा रहा है। उसी तरीके से अगर ये जो रूट है हम लोग का क्यूबिक रूट है, तो ये 3 है तो इसका फ्रैक्शन में 1/3 चला जाएगा। जैसे ये 6 है, 6 पे जो इसका जो रूट का वैल्यू है ये कितना है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 पे पावर 1/7 हो जाएगा, ओके। अगर हम लोग का मान लीजिए 4 का, 4 पे पावर 2/3 है, तो इसका मतलब है कि 4 पे पावर 2 तो है ही, साथ में उसको हम लोग को क्यूबिक रूट भी करना है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 पे पावर 2 और ये क्यूबिक रूट हो जाएगा, ओके। बात समझ में आ गया, हाँ। इस पे एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा सा बहुत डराने वाला क्वेश्चन, इसमें सारा चीज़ कवर हो जाने वाला है, पर डरने का कोई बात नहीं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें 3 इस तरीके से नंबर उठाए हुए हैं, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, बाकी है मेन क्या काम, इन तीनों का मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, बच्चा वाला काम है, बट ये इंटरेस्टिंग टाइप का ये कि क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ओके। तो मैं पहले एक इसमें से उठा लेता हूँ, जैसे ये नंबर है, नंबर क्या है हम लोग का, एटी वन बाई सिक्सटीन पे पावर था -3/4, ओके। सबसे पहले माइनस देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब इसको कन्वर्ट करिए, जल्दी से जल्दी इसको उल्टा करिए, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा, 81 हम लोग का नीचे चला जाएगा। अब ये होल टू द पावर 3/4 जो था, ये 3/4 पावर रह ही जाएगा, ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं होने वाला, ये जो था सेम रह जाएगा, बस नेगेटिव जो है हम लोग का हट जाने वाला है, नेगेटिव हट जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिमाग लगाना है, पावर 3 है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं करने वाला, 16 का पावर 3 है, सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, पर ये क्या, ये फ्रैक्शन में ये नीचे में डिनोमिनेटर में आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कन्फ्यूज़ करने वाला है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये एक्चुअली रूट है, नीचे लिख दिया, कन्फ्यूज़ नहीं होगा, ओके, ये पावर में है, तो पावर में अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को हटाना चाहेंगे। अच्छा इस 4 का कंसेप्ट हर बार आपको क्वेश्चन में इस तरीके से देगा कि ये जो 4 है ना ये कट जाएगा, कटेगा कैसे, ये जो आप लोग को नंबर देगा ना, ये किसी ना किसी का मतलब कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसका 4 हम लोग पावर करेंगे तो ये नंबर आने वाला है। जैसे कि अगर 2 का हम लोग पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अगर हम लोग 4 बार करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाने वाला है, 16। इस तरीके से नंबर हमेशा आप लोग को देने वाला है, ओके। तो हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4, 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4, इस तरीके का नंबर आप लोग को हर बार देने वाला, तो ये हो जाएगा 3/4 जो था। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2/3 पे पावर 4, अब इस होल पे पावर हम लोग का क्या था, 3/4। बात समझ में आया कि नहीं। अब सिंस ये हम लोगों ने इस चीज़ को भी पढ़ा था कि ब्रैकेट के अंदर बाहर 2 हम लोग का पावर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करने चलेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो हम लोग का सिर्फ बच जाएगा 2/3 पे पावर 3, हो गया था ना ईजी। वही चीज़ आप लोग को हर क्वेश्चन में मतलब हर चीज़ में देने वाला। अब सिंस इसका पावर क्या है, 3/2, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये जो है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे माइनस हटाने के लिए, और साथ में इसका ये जो रूट है मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ध्यान से देखिए ये क्या है, 2 है, तो इसका ये जो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा ये भी 2 आएगा। जैसे 5 5 = 25, 3 3 = 9, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 पे पावर 2, ओके। तो इस तरीके से ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं देगा कि सिंपली वो बन जाए, इस तरीके से देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं,
5/3 पे पावर होल टू द स्क्वायर होल टू द पावर क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये 2 2 हम लोग का कट जाने वाला है, बच जाएगा हम लोग का क्या सिंपली, अब ये बच जाएगा हम लोग का। फिर सॉल्व होते होते इसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा, इसमें तो रूट है ही नहीं डिनोमिनेटर में, मतलब है ही नहीं, ये दोनों को सॉल्व करना है, उसी के बाद इनटू डिवाइड करना है, लास्ट में आप लोग का सॉल्व होकर आंसर आ जाने वाला। कोई बहुत टिपिकल नहीं, ये बस देखने में डरावना लगने वाला है और ऐसा कुछ नहीं, खुद से बनाइए क्वेश्चन, ज़रूर सॉल्व हो जाने वाला। क्वेश्चंस अभी बहुत सारे आप लोगों को, बहुत टिपिकल टिपिकल टाइप के इसमें क्वेश्चंस है, बट आप लोग बनाइएगा खुद से तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, साथ ही हम लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप है और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, उसमें बहुत सारे उस ग्रुप में बच्चे एडेड हैं, तो वो आपका जो भी डाउट होगा ना उसको क्लियर कर देने वाले हैं, साथ ही मैं भी उसमें रिप्लाई करते रहता हूँ समय समय पे, तो जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाने वाले हैं। ओके सो चैप्टर यहाँ पे हो जाता है ख़त्म, चैप्टर फर्स्ट। और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर मैं बनाने वाला हूँ वो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट चैप्टर बनाने वाला हूँ। ओके सो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय।